Good morning, friends. Once again, welcome back to Study Khazana. Today, I am here in front of you not only to teach you economics, but to give you a tricks or tips to score 95% in economics. अब आज हम लोग कुछ भी पढ़ने नहीं बैठे, आज हम लोग कुछ भी टॉपिक डिस्कस करने नहीं बैठे कि क्या चैप्टर आएगा, कितने मार्क्स का है, क्या वेटेज है. आज हम डिस्कस करने बैठे हैं कि ट्रिक्स क्या है, 95% मिशन है हमारा स्कोर करने के लिए इकोनॉमिक्स को. अब ये मिशन को कैसे अकम्पलिश किया जाए, कैसे अटेन किया जाए, तो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आप 95% मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर कर सकते हो. और नॉट ओनली कि फ्यू स्टूडेंट्स ही इसको स्कोर करेंगे, बल्कि सबको ये स्कोर करना है. हमारा टारगेट जो है वो यही रहेगा, करेक्ट. तो फर्स्ट, दैट इज स्टेप नंबर वन, आपको हर चीज़ों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए. इनफैक्ट इकोनॉमिक्स ही नहीं, ये ट्रिक्स आपको हर एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, ठीक है. तो टिप नंबर वन क्या है हमारा, टिप नंबर वन इज दैट इज रटना नहीं है. किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है. क्यों नहीं रटना, जो चीज रटनी होगी वो मैं आपको बताऊंगी, बट टिप नंबर वन इज दैट कि हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है. इकोनॉमिक्स को हर चीज पूरी की पूरी डिफाइंस या मीनिंग्स या पूरी बुक को मगअप कर लेना, पूरी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को एज इट इज लर्न कर लेना, वो चीज ठीक नहीं है, ठीक है. हमें अपने ओन वर्ड्स में उसको चीजों को समझाना है, हमें उस चीज को एज इट इज बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखना. जो चीज बुकिश लैंग्वेज में चाहिए होगी, नीड होगी, वो मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी कि आपको क्या चीज को एज इट इज रटना है, या ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये चीज अच्छे से रट के जानी है, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप वन इज दैट इज हमें रटना नहीं है, एंड रटना तो इकोनॉमिक्स की पूरी लैंग्वेज, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. टिप नंबर टू, जिसको हम टिप नंबर वन का बायफर्केट भी बोल सकते हैं, बट टिप नंबर टू इज कीवर्ड्स बनाओ. हमें क्या बनाने हैं, कीवर्ड्स, की पॉइंट्स बनाने हैं. की पॉइंट्स मीन्स अगर आप अपना एक रजिस्टर प्रिपेयर कर रहे हो, मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो, तो सेकंड टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं. किसी भी चीज की डिफाइन, अब जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग लिखना आ जाता है, हमने उसका मीनिंग पढ़ा कि मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जितने भी हम उसको ले रहे हैं या फिक्स्ड हैं, क्या चीज क्या है, तो उसके की पॉइंट्स बनाओ, उसका कीवर्ड मार्क करो कि हमें वो माइंड में कैसे डिफाइन रह सकती है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स लिखने आ गए, हमें पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, तो ये आपके जो है कीवर्ड्स बन रहे हैं. इसकी डिटेल तो आप लिख ही सकते हो. कैसे लिख सकते हो, आपने मुझसे समझा है, एग्जाम्पल आपके माइंड में है. अगर एग्जाम्पल आपके माइंड में नहीं है, तो जो रजिस्टर मैं आपको बनवा रही हूं या जो आप अपने खुद भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसको इजिली जो है इजी लैंग्वेज में, नॉट इन बुकिश लैंग्वेज, उसके की पॉइंट्स बना के रखिए, ठीक है. ये एंड टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है. तो सेकंड थिंग इज दैट कि हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट कि हमें हर आंसर को क्वांटिफाई नहीं करना, ठीक है. बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि हर चीज को पॉइंट में लिखो, बुलेट्स में लिखो. नहीं, हमें हर आंसर को क्वांटिफाई नहीं करना, बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनसे डिफाइन भी पूछी जा रही हो कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो उसको भी पॉइंट में लिख कर आ रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी का, उसके भी थ्री पॉइंट्स बनाकर लिख दिए. नहीं, दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग. हमें जो है प्रॉपर हर आंसर को क्वांटिफाई नहीं करना, जिसका एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हमें आगे कि थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताओ, तो थ्री स्टेजेस उसकी क्या है वो हमें पॉइंट्स में लिखना, ठीक है. वो हमें पैराग्राफिकल फॉर्म नहीं लिखना. हमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, हमें वो पॉइंट्स में लिखना है. तो किसी चीज के फंक्शंस पूछे जा रहे हैं, किसी चीज की स्टेजेस पूछी जा रही है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं, तो हमें उसको क्वांटिफाई करना है, बुलेट्स में लिखना है, अदरवाइज हमें पैराग्राफिकल फॉर्म में आंसर को लिखकर आना है, ठीक है. इसको मार्क कर लो, हमें पॉइंट में हर आंसर को नहीं देना. अगर रिलेशनशिप पूछा जा रहा है बिटवीन टीसी एसी एमसी बताओ, तो आपको पॉइंट में लिखना है, उसको पैराग्राफ में नहीं लिखकर आना, उसको आपको पॉइंट में लिखना है. और जो इंपॉर्टेंट है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है. आपको ब्लू पेन और पेंसिल का अगर आप यूज कर रहे हो, हमें हेडिंग्स जो है वो बोल्ड लेटर्स, दैट इज ब्लैक पेन अगर आपके एग्जाम में नहीं यूज है, या अगर वहां पर वो चीज को हम नहीं ले सकते, ब्लैक पेन नहीं हमारा एप्लीकेबल कि हम उसको यूज करें एग्जाम में, तो एटलीस्ट ब्लू पेन से हेडिंग्स बोल्ड लेटर्स में लिख कर आएंगे. उसके बाद उसकी डिटेल होगी, एंड देन जो है आपको पेंसिल से उस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है. तो टिप नंबर थ्री इज हर आंसर को क्वांटिफाई नहीं करना. टिप नंबर फोर इज, अगर आपका गोल क्लियर था कि आपको कैसे इकोनॉमिक्स करनी है, अगर आपने मुझे सुना तो ये चीज आपको टिप नंबर फोर बहुत ही अच्छे से पता होगी, दैट टू मेक कर्व्स, ठीक है. डायग्राम्स ड्रॉ करना सीखिए, कर्व्स बनाना सीखिए. कर्व्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का.
कर्व्स बनाना. अब कर्व्स जो है हम फ्री हैंडेडली भी बना सकते हैं, बट फ्री हैंडेडली नॉट लाइक दैट कि आप पेन से ड्रॉ करके आ रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. पेन से ड्रॉ नहीं करने, हमें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ही करना है, चाहे आप स्केल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अगर आपको लग रहा है कि आप करेक्टली लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इनवर्सली यू शेप्ड है या यू शेप्ड कर्व्स है, उसको स्केल से नहीं ड्रॉ करना, उसको फ्री हैंडेडली पेंसिल से ही ड्रॉ करना है. ठीक है, तो मेक कर्व्स. कर्व्स बनाकर आओगे तो टीचर को भी अच्छे से वो चीज़ आपके इफेक्ट करेगी कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको ये टॉपिक के बारे में पता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो. दैट इज आर टिप नंबर 4, दैट टू मेक कर्व्स. टिप नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको, मुझे नहीं लगता आपने कहीं पे भी कोई भी चीजों पे ध्यान देते होगे. टिप नंबर 5 इज भूमिका बनाना सीखो, इंट्रोडक्शन देना सीखो. आपसे क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. आप सीधा स्टेज 1 टीपीपी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड इज डिमिनिशिंग रेट, फाइनली स्टार्ट फॉलिंग. नहीं, आपको उसकी भूमिका बनानी है. अगर उसने आपसे सिर्फ 3 स्टेजेस भी 6 मार्क क्वेश्चन में पूछा है या 3 मार्क क्वेश्चन में पूछा है, आपको उसका मीनिंग देकर आना पहले कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो 3-4 लाइनें शुरू की, आपको कम से कम इसका मीनिंग बताना है, उसमें आपने क्या पढ़ा है, देन उसके स्टेजेस पे जाना है. ठीक है, आपसे शेड्यूल, अगर किसी चीज़ का आपको पता है, शेड्यूल और कर्व, चाहे वो क्वेश्चन में बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, अगर आपको आता है और आप श्योर है कि आपका शेड्यूल और कर्व करेक्ट है, तो आपको वो बनाकर ही आना है. ठीक है, तो टिप नंबर 5 है हमारी, भूमिका बनाना सीखो. टिप नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओ. ठीक है, आपको स्कूल में नोट्स बनाए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, आप मेरे पास पढ़ रहे हो, मेरे से सुन रहे हो चीज़ों को, आपने रजिस्टर बनाया है या आपके खुद सेल्फ प्रिपेटरी नोट्स भी हैं, तो उन नोट्स को इजी लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट रजिस्टर इसलिए बोला जा रहा है, उसको इजी लैंग्वेज में लिखना है कि आपके वो कीवर्ड्स वाले पॉइंट्स हो, कि आप उसको मल्टीपल रिविजन दे सकें. ठीक है, अब टिप नंबर 7 एंड इट इज़ द लास्ट टिप, आपको जो ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में. हमारा एग्जाम अब बोर्ड का एग्जाम जो है इस ईयर का 26 मार्च को है इकोनॉमिक्स का, करेक्ट. तो उससे पहले अगर आपके पास जितने भी हॉलीडेज हैं, जितनी भी छुट्टियां, जितने भी ऑफ, उसमें आपको लीव मिल रही है, उसमें आपको उसकी रिवीजन कैसे करनी है. ठीक है, सबसे पहले आपको अपने नोट्स, चाहे वो सेल्फ बनाए गए हैं या मेरे थ्रू बने गए हैं या स्कूल में बनवाए गए हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ने हैं, देन एक बार उसको बुक से गो थ्रू करना है, अच्छे से उसको थॉरली रीड करना है. ठीक है, एट द एंड जो है आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स करने हैं. ठीक है, एटलीस्ट एंड के 3-4 डेज तो आप ये लगा लो कि आपको अपने डेली के 2 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर और 10-year पेपर. अगर आप 10-year पेपर करके जाते हो, दैट इज रियली वेरी गुड, आपको करना ही करना. इतने ज्यादा चेंजेस इकोनॉमिक्स में नहीं हुए हैं, तो आप अपने 10-year पेपर कर सकते हो. 10-year पेपर 3-year का अपने आपको कमरे में रख लो, बंद कर लो. बंद मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, आपको रूम में रहना है और अपने बैठकर 3 hours काइंड ऑफ वैसा ही एटमॉस्फेयर बनाना है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, करेक्ट. तो आपको उसी तरीके से अपने आपको 3 hours का टाइम देना है. 3 hours में आप कितना, किस तरीके से आंसर लिख रहे हो, टाइम सेटिंग होनी चाहिए. और ये कोशिश करो बच्चों कि आपको 15 minutes पहले अपने पेपर को खत्म करना. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग अपना एग्जाम देने गए, 10:30 एग्जाम स्टार्ट है, 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, आपने क्वेश्चन पेपर रीड तो कर लिया. ठीक है, आपने उस टाइम पे मार्क कर लिया, आपको कौन से पॉइंट बहुत ही अच्छे से आते, कौन से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आते, आपने मार्क कर लिए. लेकिन बच्चे क्या होते हैं, ये आपका लास्ट स्टेप भी है, बच्चे क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन उठाया, पहले क्वेश्चन नंबर 15 हो रहा है, देन क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है, देन 1 हो रहा है. नहीं, आप कोशिश कीजिए अगर आप उसको सीक्वेंस में कर सकते हो. ठीक है, ये आपका एक ट्रायल है. अगर सीक्वेंस में कर सकते हो, अगर आपने 3-3 घंटे के मॉडल टेस्ट पेपर खुद सॉल्व करे हैं एग्जाम से पहले, तो प्लीज यकीन मानिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आपका 3 hours से पहले ही पेपर कंप्लीट होगा बोर्ड्स में. ये 100% श्योरिटी है. अगर आप कम से कम 10 पेपर सॉल्व करके गए हैं, मैं आपको मैक्सिमम 10 पेपर बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा करने के लिए बोल भी नहीं रही. अगर आपने 10 पेपर सॉल्व किए हैं, तो 100% आपका 3 hours से पहले पेपर खत्म हो जाएगा. 3 hours आपको लगेंगे भी नहीं, आपको 15 minutes रिविजन टाइम भी मिलेगा. और ये नहीं कि पेपर गंदा कर रखा है, पेपर आपने अच्छा ही किया होगा. ठीक है, तो सबसे पहले 15 minutes जो आपको मिलते हैं, उसमें मार्क कीजिए कौन से क्वेश्चन आते हैं. सीक्वेंस में कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, आपको एटलीस्ट पहले माइक्रो और मैक्रो का सेक्शन पूरा कंप्लीट कीजिए. ठीक है, सपोज पार्ट ए और बी में आंसर क्वेश्चन पेपर आया है आपका, तो ये नहीं कि अपने कॉन्टिन्यूएशन में लगे हुए हैं, पहले माइक्रो के कंप्लीट कर लीजिए. अगर 1-15 माइक्रो के क्वेश्चन है तो उसको कंप्लीट कीजिए, देन आप नेक्स्ट 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा.
ठीक है, तो आपको पॉइंट्स अच्छे से मार्क करने हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे से मार्क करने हैं, कौन सा आपको आता है, कौन सा पहले करने की नीड है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी है एंड में रिवीजन करने के लिए। और ये लास्ट टिप हमारी थी कि हमें मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है, हमें मॉडल टेस्ट पेपर जो है बहुत ही अच्छे से करना है, 10 ईयर पेपर हमें पढ़ के जाने हैं। ओके, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अपनी सारी टिप्स को। द टिप नंबर वन इज हमें रट्टाफाई नहीं करना, हमें समझ समझ के करनी है हर चीज को, कॉन्सेप्ट समझने हैं। टिप नंबर टू इज कीवर्ड्स पकड़ो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है। टिप नंबर थ्री इज हर आंसर को क्वांटिफाई नहीं करना, जो क्वांटिफाई वाला आंसर है उसको करना है, अदरवाइज हमें हर आंसर को क्वांटिफाई नहीं करना। टिप नंबर फोर इज कर्व्स बनाना सीखो, ठीक है, कर्व्स बनाने ही बनाने हैं, शेड्यूल बनाने ही बनाने हैं। टिप नंबर फाइव इज दैट इज भूमिका बनाना सीखो, हर एक आंसर को जो पूछा है एज इट इज लिखकर नहीं आना, भूमिका होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। टिप नंबर सिक्स इज बुक को अच्छे से पढ़ो, अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ो, चाहे वो एनसीईआरटी बुक रेफर किया या किसी भी राइटर की बुक रेफर किया है, आपने जो स्टार्टिंग से पढ़ा है। अब ये नहीं कि किसी बच्चे ने हमें या किसी हमारे फ्रेंड ने बता दिया पूरा पेपर इसी बुक से आने वाला है, तो जितना आपने पढ़ा है पूरे साल में उसको छोड़ दिया और अभी वही वाली बुक उठा के नेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपको किसी की भी नहीं सुननी, आपको अपने गोल को डिफाइन करके रखना है कि आपका गोल क्या है, आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपना इधर से उधर नहीं होना। अब इस टाइम पे कोई भी कुछ भी कहे कि पूरे पेपर इस बुक से आता है, पूरा पेपर इस मॉडल टेस्ट पेपर से आता है, आपको नहीं सुनना। आपने जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और अब तक आपने जिसमें से भी पढ़ा है आपको उसी से रिविजन करनी है, उसी से ही अच्छा से पढ़ के जाना है। और मॉडल टेस्ट पेपर दैट इज़ यू लाइक के सैम्पल पेपर्स एंड 10 ईयर पेपर, ये आपको अच्छे से करने हैं। अगर आप सिर्फ 10 ईयर पेपर भी पढ़ लोगे तो भी वो दी बेस्ट है। अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके पास सपोज इधर उधर आपको आपने पता किया शॉपकीपर से आपको नहीं हो पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा आपके पास, तो आप कम से कम अपना यू लाइक का सैम्पल पेपर रेफर कीजिए, वो आपको अच्छे से करना। तो लास्ट टिप था हमारा, टिप नंबर सेवन इज मॉडल टेस्ट पेपर एंड CBSE पेपर्स और यू लाइक के पेपर्स हमें करने हैं, 10 ईयर पेपर करने हैं। तो ये मेरे ट्रिक्स हैं, ये हमारे टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना है, जो हमें 95% यकीन मानिए 95% स्कोर करने में बहुत ही 100% मैं बता रही हूँ आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। यही टिप्स को फॉलो मैंने भी किया था और आप भी कीजिए और आप इससे अच्छे मार्क्स लीजिए। सो थैंक यू ऑल एवरीवन, थैंक यू गाइस, बाय बाय। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपना माइक मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, बाय।